हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS 2024 के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे और पिछले सालों में जिस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी कि पिछले सालों के हिसाब से क्या आगे हमारा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सेशन में जो बिगिनर है, शुरुआत करने जा रहा है, उसके लिए भी और साथ में जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ही क्या रिलेवेंट चीज़ें हो सकती है उसको डिस्कस किया गया है। तो एक बार फटाफट शुरू करेंगे, एक बार देख लेते हैं हम लोग इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग शुरू करेंगे सिलेबस से, ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्या सिलेबस है, फिर हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट, क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ में हम लोग क्या नए प्लान स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज़ के डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को जरा वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नीचे चैप्टराइजेशन भी दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली जो भी चैप्टर पर आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके उस सेशन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर हैं उनके लिए हम लोगों का सिलेबस, यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर आपको देना है तो उसमें आपका एक ऑप्शनल का सिलेबस होता है, ऑप्शनल का एक टॉपिक होता है, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। इस ऑप्शनल में आपको दो पेपर देने होते हैं, एक होता है जो पेपर नंबर वन है और दूसरा है पेपर नंबर टू। कई सारे ऑप्शनल्स होते हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें ज्योग्राफी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या ज्योग्राफी की अपने आप में इम्पॉर्टेंस इस वजह से है, एक तो क्या है इसमें नंबर एक एवरेज और उससे ऊपर मिलते हैं, दूसरा अपने आप में ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। सिलेबस जरूर थोड़ा बड़ा है लेकिन टेक्निकल है, इजी टू कॉम्प्रिहेंड है, आसानी से चीज़ों को समेटा जा सकता है। तो जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के लोग, इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग या फिर आर्ट्स के भी जो लोग होते हैं, वो सभी इस सब्जेक्ट को इसीलिए प्रेफर भी करते हैं। दूसरा फ़ायदा यहाँ से ये होता है, ये GS के साथ में ओवरलैपिंग है, तो इस वजह से चाहे वो आपका GS प्रीलिम्स हो या GS मेंस हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही कवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज होती है ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल लेकर के चलने में। ये तो हो गई जो बेसिक डिटेल्स हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के अगर आप सिलेबस को देखेंगे और UPSC की नोटिफिकेशन में जा करके अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो पेपर नंबर वन में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पार्ट होता है जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है। और जब आप पेपर उठा करके देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि पेपर नंबर वन में दो सेक्शन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में बात कर रहे आ रहे हैं। एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उसमें सेक्शन ए होता है जिसमें नॉर्मली फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है, और दूसरी होती है सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी में नॉर्मली ह्यूमन ज्योग्राफी पूछा जाता है। ये नॉर्मली इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरलैपिंग सिचुएशन में देखने को मिल जाती है। पेपर नंबर वन में फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस को अगर देखें तो हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी होती है। ये जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेक्शन है अपने आप में थोड़ा बड़ा सेक्शन है, इंटरेस्टिंग जरूर है, टेक्निकल जरूर है, लेकिन थोड़ा बड़ा सेक्शन है। यहाँ पर सिलेबस ये अगर आप देखेंगे तो सिलेबस की शुरुआत हो रही है लैंडफॉर्म से, लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म के लिए कौन कौन से फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थ की क्या कंडीशन है, अर्थ के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें अप्लाइड पार्ट भी आता है। इस अप्लाइड पार्ट में हमें जियोमॉर्फिक साइकिल, लैंडस्केप डेवलपमेंट, डिनुडेशन क्रोनोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी और इसके अलावा जो जियोमॉर्फोलॉजिकल अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी हमें देखना होता है। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है आप ऐसे समझिए कि जो GS का सेक्शन है उससे 40% एक्स्ट्रा और आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और ये जो एक्स्ट्रा है ये थोड़ा सा इस जियोमॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक को थोड़ा बल्कि बना देता है। मतलब आप ऐसे समझिए पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को अगर आपको डिवाइड करना है तो हाफ पोर्शन आपका जियोमॉर्फोलॉजी होता है, बाकी का जो बचा हुआ सेक्शन है उसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजोग्राफी आते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा क्लाइमेटोलॉजी का ही है। ये क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये कंटेम्प्ररी होता है। कंटेम्प्ररी इसलिए होता है क्योंकि आज की डेट में जो दो प्रॉब्लम है, एक हमारा जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम और दूसरी ग्लोबल वार्मिंग वाली प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम पर रिसर्च पेपर्स और नई नई डेवलपमेंट होती रहती है, और उस वजह से ये जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है ये हमेशा जीवंत बना होता है, लाइव बना होता है, कंटेम्प्ररी बना होता है।
हालांकि यहाँ पर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कोपेन की क्लासिफिकेशन, थॉर्नटवाइट की क्लासिफिकेशन, ट्रिवार्था की क्लासिफिकेशन, बाकी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर जीएस वाली ही हैं। तो जीएस से मान के चलिए 10 से 15% एक्स्ट्रा और करना होता है, बाकी मोर लेस चीज़ें सेम ही रहती हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान है और बड़ा मज़ा आता है डिस्कशन में भी। इसी तरीके से हमारा ओशनोग्राफी, जो बायोजोग्राफी और इन्वायरमेंट है, ये तीनों भी सेम, कहने का मतलब ये भी अपने आप में कंटेम्प्रेरी है, और ये दोनों तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों अपने आप में काफ़ी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ही हैं। ओशनोग्राफी का जो टॉपिक है वो जीएस से यहाँ पर भी 20% कुछ एक्स्ट्रा आपको करना होता है, जिसमें मेनली कोरल्स हो गए या फिर आपके जो ओशियन डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें हम पेलाजिक डिपॉजिट भी बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर नई जो डेवलपमेंट आ रही है यानी कि जो न्यू रिसर्चेस वगैरह हो रहे हैं इनके बारे में प्राइमरली हमें देखना होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके अलावा मोरलेस यहाँ पर जीएस वाला ही सेक्शन है। बायोजोग्राफी में भी सेम होती है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सॉइल के डेवलपमेंट के बारे में सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सॉइल अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कहीं ना कहीं सॉइल एक बेसिस बनाता है, इस पर कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं। तो जैसे हमारा मेजर जीन पूल हो गया, जीन सेंटर हो गए, सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, या फिर हमारा सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल प्रोफाइल, ये सब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर हमारे पास इन्वायरमेंट ज्योग्राफी होती है, ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो जीएस में आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं कुछ उसी तरीके का ही है, मैक्सिमम कंसेप्ट्स आपको सेम से मिलेंगे, बस यहाँ पर कुछ अगेन 10% एक्स्ट्रा आपको करना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे ऑप्शनल में काम आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस आप गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये पेपर नंबर 1 के सेक्शन बी में आता है और अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी साथ ही साथ में है। यहाँ पर जो टॉपिक की शुरुआत होती है वो लिटरेचर पार्ट से शुरुआत होती है। लिटरेचर पार्ट कहने का मतलब हो गया यहाँ पर हमें ज्योग्राफी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक ज़रूर है लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि यहाँ जो सिलेबस में लिखा गया है वो बड़ा ही लिमिटेड लिखा गया है, हम लोग इसको और बृहद तौर पे बड़े लेवल पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बड़े अच्छे से और पूरी तरीके से इसे डिस्कस किया जाएगा। कई सारे मॉडल्स, कई सारी थ्योरीज और कई सारे ज्योग्राफर के नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक सबसे ज़्यादा, मतलब दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी को ज्योग्राफी बनाता है, जो जनरल चीज़ें उसको ज्योग्राफी बना देगा, तो इस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरे ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी को यहाँ पर लिखा गया है, सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, चाहे वो सिस्टम एनालिसिस हो या फिर माल्थूजियन, मार्क्सियन या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हो, एग्रीकल्चर के मॉडल हो, हॉटलैंड रिमलैंड यानी पॉलिटिकल थ्योरीज के मॉडल हो या फिर रोस्टोव की ग्रोथ मॉडल हो, सभी चीज़ें यहाँ पर हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग बहुत ही थॉरली डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग सिलेबस के बाहर की भी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा आंसर राइटिंग करने में, दिस वुड प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगला टॉपिक हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमें चीज़ों को देखना होता है, जैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एनर्जी क्राइसिस क्या है, ग्लोबल रिसोर्सेज क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ग्लोबल एग्रीकल्चर क्या है, फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रेड या फिर जो वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम क्या है, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अगला टॉपिक जो आता है ये इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक होता है पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी का, यहाँ पर हमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उनके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में, उसके माइग्रेशन के इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स, इन सभी चीज़ों को देखना होता है। तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है, एक है सोशल वेलबींग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और तीसरा है पॉपुलेशन एज सोशल कैपिटल, इतनी सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ये हमारे लिए अलग पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरीके से सेटलमेंट में भी होती है, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, सिटी डेवलपमेंट, सिटी इन्फ्लुएंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा रीजनल प्लानिंग को लेकर के, ये केस स्टडी बेस्ड टॉपिक है, यहाँ पर हमें ग्लोबल बेसिस पर केस स्टडीज़ देखने होते हैं, और ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इन सभी को एक होलिस्टिक व्यू में लेकर के आना होता है। होलिस्टिक व्यू में मतलब हमें यहाँ पर मॉडल्स के साथ साथ में जो भी यहाँ पर रिलेटेड पॉइंट रहेगा, डायमेंशन रहेगा, उसे भी हमें कवर करना होता है, और इन सब के साथ साथ हमें यहाँ पर डेटा लिखना होता है जो भी कंटेम्प्रेरी होता है, उस समय का जो डेटा है वो हमें लिख करके दिखाना होता है। कुल मिला करके
ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक कंटेम्प्ररी टॉपिक है और जो भी उस समय के ऑनगोइंग प्रॉब्लम होती है उसको लेकर के पूछा जाता है। ये तो हो गया हमारा पेपर नंबर वन। दूसरा होता है पेपर नंबर टू। पेपर नंबर टू में भी आप ऐसे समझिए कि दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन होता है जहाँ पर इंडिया का फिजिकल एस्पेक्ट होता है और दूसरा होता है इंडिया का ह्यूमन एस्पेक्ट। जिस तरीके से पेपर नंबर वन में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी है, सेम वैसे ही पेपर टू में भी हमारा फिजिकल इंडियन ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी है और ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी है। अब इस फिजिकल वाले पार्ट में इन सब के अलावा एक और पार्ट हमारा ऐड होता है, वो है मैप्स का सेक्शन। मैप्स के भी हमें 10 लोकेशंस आते हैं दो दो नंबर के, जिसके बारे में हमें लिखना भी होता है और साथ ही साथ में उसको लोकेट भी करना होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो आप इसको तीन तरीके से देख सकते हैं, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस करने को। सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत होती है फिजिकल पार्ट से, जहाँ फिजिकल सेटिंग के बारे में बताना होता है, इंडिया की फिजिकल सेटिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ है, फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे हैं, इंडियन मानसून यानी क्लाइमेट किस तरीके का है, किस तरीके के यहाँ पर वेजिटेशन है, सॉइल टाइप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा टॉपिक होता है रिसोर्स को लेकर के। यह हमारे एनर्जी रिसोर्स भी हैं, मिनरल रिसोर्स भी हैं, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्स भी हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमारे पास एग्रीकल्चर का टॉपिक होता है, इंडस्ट्री का टॉपिक होता है, कल्चरल ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड का टॉपिक है, सेटलमेंट है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। अब मैक्सिमम टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपको पेपर नंबर वन के ही रिपीटेड मिल जाएंगे और एक्चुअल में ऐसा है भी, लेकिन पेपर नंबर वन में ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है और जब हम पेपर नंबर टू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव इंडियन आ जाता है। कुछ यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफर के मॉडल्स भी हैं जिन्हें हमें डिस्कस कर लेना होता है, उनको भी हम लोग लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। दो और टॉपिक होते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के और कंटेम्प्रेरी इशूज़ को लेकर के। ये जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ वाला टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं अगेन एक केस स्टडी बेस्ड टॉपिक बन जाता है। अब इस पूरे सिलेबस को अगर आप देख लिए हों, समझ लिए हों, तो एक बात यहाँ से बड़ी ही क्लियर तौर पर समझ में आती है कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ये अपने आप में एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिविटी भी होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये कि आपको यहाँ पर स्कोप होता है कि आप अपनी खुद की आइडिया जनरेट करके लिख सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये अपने आप में एक सर्कुलर बेसिस का है। सर्कुलर कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरलिंकिंग है। इंटरलिंकिंग ऐसा नहीं है कि वेगली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग नहीं बटा हुआ है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड मिल रही हैं। तो ये इस वजह से ईजिली कॉम्प्रीहेंड किया जा सकता है, ये कॉम्प्रीहेंड करने में रिलेटिवली आसान रहेगा। तीसरा जो चीज़ है वो है इसका कंटेम्प्रेरी नेचर। अब ये जो टॉपिक है या कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शनल का सब्जेक्ट है ये कंटेम्प्रेरी है और इस वजह से आपको अपडेट भी करना पड़ता है, लेकिन इस अपडेट करने का फ़ायदा आपको जीएस के भी पेपर में मिल जाता है, क्योंकि जो डेटा आप याद कर रहे होंगे वो 100% श्योर है कि आप अपने जीएस के पेपर में भी यूज़ करेंगे, तो इससे आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा भी हो जाता है। तो सिलेबस को देखने के बाद में ये तीन चार चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं और कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी बात समझ में आ रही है। अगला जो सवाल होता है वो है बुकलिस्ट को लेकर के। बुकलिस्ट को लेकर के कई लोगों को डाउट रहता है, लेकिन पिछले दो तीन साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको बुकलिस्ट बड़े ही क्लियर तौर पे समझ में आ जाएगी। इस बुकलिस्ट को समझने के लिए हम लोगों ने इसे तीन पार्ट में डिवीजन किया है, एक है नर्चर, दूसरा है स्ट्रेंथ और तीसरी है वॉरियर। जो नर्चर है ये बेसिकली एक फाउंडेशनल कोर्स है जहाँ पर आप सब्जेक्ट से रूबरू हो रहे होते हैं। जहाँ पर रूबरू होना है तो सीधी सी बात है उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट माध्यम माना गया है, तो आप क्लास सिक्स से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्थ अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो नाइन्थ से ट्वेल्थ करिए और ये रिलीजियसली करिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी चीज़ें कही गई हैं। और अगर आपको इसकी ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है तो और भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे मार्केट में आपको जीरोक्स फॉर्मेट में ओल्ड एनसीईआरटीज मिल जाएंगी और ये ज़्यादा बेटर तरीके से कवरेज किया गया है इसमें, तो इसको आप देख सकते हैं। ये हो गया फाउंडेशन, यहाँ फाउंडेशन की शुरुआत होगी, फाउंडेशन से ही आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। दूसरी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में जब देखते हैं तो ये होती है फाउंडेशन के बाद अगला स्टेप, जहाँ पर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को एक ऑप्शनल के तौर पर पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन स्टैंडर्ड बुक्स का डिस्कशन होता है, जिसमें हम लोग पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू दोनों ही डिस्कस करेंगे।
पेपर नंबर वन में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह को ले सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक वाइज भी आपको बुक्स लेनी चाहिए, जैसे पर्सपेक्टिव वाला जो टॉपिक है उसके लिए आप सुदीप्ता अधिकारी और आर डी दीक्षित की बुक या दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसके अलावा रूपा मेड सिंपल भी ले सकते हैं, दो पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी के और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी के। इसके अलावा एक और बुक आपको बोल रहा हूँ मैं, के सिद्धार्था की बुक। के सिद्धार्था की बुक आप लोग परचेज करके रखिए, उसको भी रीड करिएगा, या फिर जब हम लोग कोर्स करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस बुक का यूज़ करेंगे। ये बुक आपको लेनी है मॉडल थ्योरीज एंड लॉज को लेकर के, मॉडल थ्योरीज एंड लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो छः किताबें हैं पेपर नंबर वन के लिए, यही आपको लेना है। पेपर नंबर टू के लिए आप एक बुक ले सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी बाई माजिद हुसैन, ये बुक आप लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से कवरेज किया गया और पेपर में जो आता है वही सब चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। हालांकि इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी बाई खुल्लर भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है अगर आप माजिद हुसैन बुक लेते हैं तो, परचेज़ करिए माजिद हुसैन की बुक। तीसरा जो सेक्शन होता है वो है वॉरियर का सेक्शन। अब चूंकि आप स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर चुके हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स कवर करने के बाद में आपको टॉपिक वाइज चीज़ें स्पंदन करनी होती हैं। टॉपिक वाइज में आप योजना मैगजीन या फिर आप डाउन टू अर्थ, कुरुक्षेत्र, न्यूज़पेपर और केस स्टडीज, इन लोगों को रेफ़र करते हैं और इस सब चीज़ों से अपने आपको स्ट्रेंथन करते हैं। टॉपिक वाइज आपको स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। ये तो हो गया बुक लिस्ट। अब मेरे ख्याल से बुक लिस्ट को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इन्हीं किताबों को फॉलो करिए, पास्ट ईयर के जितने भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब इनसे कवर हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा मार्केट में बहुत तरीके की किताबें हैं, अगर आप उन सभी किताबों को पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन से थोड़े दूर होते जाएंगे। किताबें पढ़नी अच्छी बात होती हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम इस ऑप्शनल को कैसे कवर करें, तो ऑप्शनल को कवर करने के लिए अगेन तीन तरीके हैं। एक तरीका है जहां पर हम फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फिर हम स्ट्रेंथन करेंगे और फिर वॉरियर करेंगे। यूपीएससी आपसे दो चीज़ों की डिमांड करती है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। कल को आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आप चीज़ों को पहले समझेंगे नहीं तो फिर उस पर आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो पहले आप चीज़ों को समझें। दूसरा, समझने के बाद में आप क्या उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। कंसेप्ट्स डिस्कशन के दौरान में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए आंसर राइटिंग करनी होती है। अब यह आंसर राइटिंग इतनी बड़ी कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर में रह के और शब्दों में लिमिट में रह करके जब लिखना होगा तो अपने आप में थोड़ा ये चैलेंजिंग टास्क जरूर बन जाता है। और चैलेंजिंग टास्क का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे एनसीईआरटी है तो उसकी आंसर राइटिंग भी डिस्कशन करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स है तो उसमें हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज डिस्कशन है तो उसमें आप टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड करिए। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स वाले पार्ट जहाँ पर हम लोग बुक्स को डिस्कस कर रहे होंगे अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे फेज़ वन हो, चाहे फेज़ टू हो या फिर थ्री हो। दूसरा पार्ट है आंसर राइटिंग, और इसको हम लोग सेपरेटली आंसर राइटिंग करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग शुरुआत से करेंगे, बिगिनिंग से करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे। इस बार क्या प्लान होने चाहिए, क्या हम लोग कोर्सेज वगैरह लेकर के आए, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं। जो क्लासेज स्टार्ट होंगी वो 10 अक्टूबर से शुरुआत होंगी। जो नर्चर वाली है, एनसीईआरटी है, ये आपको जीएस वाले सेक्शन पर, जीएस वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, पब्लिक वीडियोस हैं, इसको भी हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। जो हम लोग 10 अक्टूबर से शुरू करेंगे, सर्वे के हिसाब से 9 बजे ज़्यादा लोगों ने बोला है तो 9 बजे से ही शुरू किया जाएगा। डेली 6 डेज क्लासेज हम लोग करेंगे और यहाँ पर 45 मिनट की क्लास करेंगे, 45 to 50 मिनट की क्लास करेंगे हम लोग, और ये शुरुआत करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड बुक से। क्या चीज़ें शुरू करेंगे वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले कोर्सेज के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी के कोर्स आप पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे और ये आप जीएस वाले चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जिस्ट पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ आपको रीड करना आसान रहेगा और उसकी जिस्ट अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे, कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे। वेबसाइट पर जाकर के इसको इनरोलमेंट कर सकते हैं और सेपरेटली हर एक सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हैं। इनरोलमेंट करके आपको सब्जेक्ट के जो भी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा फेज़ टू और फेज़ थ्री के लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग का जो डिस्कशन है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और इस वजह से मंथली ही आपसे फ़ी चार्ज की जा रही है।
फिर हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी अगेन वेबसाइट पर जाकर के अवेल कर सकते हैं। एक नया प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग के तौर पर। डेली यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम लेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनली मेरे द्वारा ही दिया जाएगा। इसके अलावा, इन सब के अलावा मॉडल आंसर्स भी रहेंगे। मॉडल आंसर डेली बेसिस पर रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन रहेंगे उनके मॉडल आंसर्स भी रहेंगे। ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और इस वजह से एक मंथली कॉस्ट रखी गई है ताकि आप भी सीरियस रहें और चीज़ें सस्टेनेबल बनी रहें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे हिसाब से यही रहेगा, लेकिन इसके अलावा ये सब चीज़ें भी, अगर आप बिगिनर हैं, चीज़ों को करना चाह रहे हैं और सही तरीके से करना चाह रहे हैं, वेल शेड्यूल्ड और वेल प्लान्ड तरीके से करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी सब चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। ये वो सिलेबस है जिसको आप लोगों को फॉलो करना रहेगा। पेपर नंबर 1 में सारी चीज़ें, पेपर नंबर 2 में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो फिज़िकल ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। हालांकि सर्वे में आया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी से शुरू किया जाए, सबसे ज़्यादा वोटिंग उसी पर हुई है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि फिज़िकल ज्योग्राफी से शुरू किया जाए। फिज़िकल ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में करना है, इस वजह से काफ़ी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। हो सकता है कि वो सिलेबस के बाहर भी जाए, हो सकता है वो एग्ज़ाम के लिए उतना रिलेवेंट न भी रहे, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आपको सब्जेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और कब यूपीएससी में क्या पैटर्न हो जाए, क्योंकि नॉर्मली यूपीएससी में देखा गया है, एक साल अगर आसान आता है तो अगले साल उससे कठिन और उसके अगले साल सबसे कठिन। और इस साल ये जो 2024 वाला साल है, ये सबसे ज़्यादा कठिन वाला साल है, और इस वजह से आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, चीज़ों को बहुत ही क्लियर रखना होगा, तब जा करके आप ऑप्शनल में एक अच्छा नंबर उठा पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, 10 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, और 10 अक्टूबर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के साथ में। सविंदर सिंह को बुक को परचेज करके रखिएगा, और हाथ में अपने नोट्स और नोट्स के साथ साथ एक पेन लेकर के बैठिएगा। 9 बजे से हम लोग क्लास शुरू करेंगे और 1 by 1 करके चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन, सिलेबस के बारे में बात कर ली है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन की मॉडल आंसर बुक के फॉर्मेट में पब्लिश की जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, एक हॉलिस्टिक व्यू में सारी चीज़ों को कराया जाएगा, जिससे आपकी ज्योग्राफी आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करें और अंत होते होते एडवांस लेवल पर सारी चीज़ों को कवर कर चुके हों। जहाँ डाउट रहे आप वेबसाइट पर या फिर ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। जो डाउट रहे, जिनविन डाउट रहे, उसको लेकर के आप पूछ लीजिए, कहीं पर भी आप किसी भी सोर्स पर पूछ सकते हैं, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें काम कर रही हैं। जहां नहीं समझ में आए, जहां डाउट हो, ईमेल करके या फिर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करके पूछ जरूर लीजिएगा। यहां पर स्टॉप करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सेशन को आप जरा शुरू करते हैं 1 by 1 करके और चीज़ों को जरा स्टार्ट करते हैं। तो 2024 के लिए वापस से एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए जील के साथ में स्टार्ट करते हैं, और अब स्टार्ट होगा तो चीज़ें, रेस खत्म जब तक नहीं होगा तब तक नहीं रुकना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।